अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की शुरुआत साल 2000 से ही हुई और यही वो साल था जिसके बाद हमने डिजिटल म्यूजिक, स्मार्टफोन्स, ब्लूरे डिस्क और यूट्यूब जैसी चीजें देखी और फिल्मी पर्दे पर ऐसी एडवांसमेंट का फायदा VFX इंडस्ट्री को भी मिला और आज हम आपको VFX की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, डिजिटल कलर ग्रेडिंग। दोस्तों, देखा जाए तो कलर ग्रेडिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। किसी सीन के कलर को बदलने के लिए ओल्ड एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल काफी लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्रीज में होता रहा है, जैसे कि दोपहर में बनाए गए सीन को रात में तब्दील किया जा सके। लेकिन असल मायने में डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल पहली दफा साल 2000 में हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर कोन ब्रदर ने किया। वो अपनी फिल्म में हरियाली नहीं बल्कि CPR टेंटेड ऑटम फील चाहते थे और फिर इन्हें डिजिटल कलर ग्रेडिंग की सूझी और इन्होंने ये फिल्म बनाई जिसका नाम ओ ब्रदर वेयर आर्ट थो था, जो कि दुनिया की पहली डिजिटल कलर ग्रेडिंग फिल्म बनी और इसके बाद से दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी। नंबर 2, क्राउड सिमुलेशन। दोस्तों, बाहुबली जैसी फिल्मों में आपने बहुत बड़ी फौज को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, पर क्या सच में उस वक्त इतने इंसान आपस में लड़ रहे होते हैं? जी नहीं, हजारों की भीड़ को आपस में लड़ते दिखाने का सबसे शानदार VFX पहली बार देखा गया हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग में। और इससे पहले जंग में लड़ते हुए फौजी असली हुआ करते थे, पर लॉर्ड ऑफ द रिंग के डायरेक्टर पीटर जैक्सन चाहते थे कि इनकी इस फिल्म में काफी सारे फौजी आपस में लड़ते हुए दिखाई दें। ऐसा करने के लिए इन्होंने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक मल्टीपल एजेंट सिमुलेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। इसकी मदद से इन्होंने 70,000 एजेंट तैयार किए जो कि अलग अलग आउटफिट के साथ 350 डिफरेंट एक्शन कर सकते थे। इनके ये एक्शन हैंड एनिमेटेड या फिर मोशन कैप्चर से भी सेट किए जा सकते थे। इन सब एजेंट्स के पास एक तरह का डिजिटल ब्रेन सिस्टम था, यानी कि एनिमेटर्स को इन दोनों आर्मियों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना था और एक दूसरे के पास भेजना था और फिर ये अपने आप लड़ना शुरू कर देते। ये क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इतना मशहूर हुआ कि हर एक फिल्म में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 3, मोशन कैप्चर। मोशन कैप्चर एक ऐसी टेक्निक है जहां एक शख्स मोशन कैप्चर सूट पहनता है जिसमें ट्रैकिंग मार्कर होते हैं। इसे पहनने के बाद इनके परफॉर्मेंस को कैमरा की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इस मोशन कैप्चर सूट की मदद से ही इनके जिस्म के हर एक मूवमेंट कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। इस डाटा का इस्तेमाल एक्टर्स के 3D मॉडल्स बनाने के लिए किया जाता है जो कि बिल्कुल एक एक्टर की तरह हरकत करते हैं। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म थी फाइनल फैंटेसी द स्पिरिट्स। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन इसके बाद से फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाले 3D मॉडल्स काफी बेहतर हो गए। नंबर 4, यूनिवर्सल कैप्चर। दोस्तों, मोशन कैप्चर की मदद से एक्टर की मूवमेंट को तो ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन इनके हाथों की मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशन को ट्रैक करने में काफी प्रॉब्लम्स थी। मशहूर हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स में भी इस मसाइल का सामना किया गया जब इसमें एक फाइट में हीरो के मोशन कैप्चर तो रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन इन मॉडल्स के चेहरों के एक्सप्रेशन नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे और इसी वजह से यूनिवर्सल कैप्चर टेक्निक का इजाद किया गया। इसमें सबसे पहले एक्टर का एक 3D साइबर स्कैन मॉडल बनाया जाता है और फिर 5 अलग अलग कैमरा की मदद से एक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन को HD इमेज लेते हैं और फिर ऑप्टिकल फ्लो की मदद से एक्टर के चेहरे के हाव भाव को 3D मॉडल में उतार देते हैं और इसी टेक्निक की वजह से शाहरुख खान को फिल्म फैन में जवान देखने में मदद मिली थी। नंबर 5, डिजिटल बैकलोड। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रीन या ब्लू स्क्रीन की लेयर को एक्टर के पीछे लगाया जाता है और दूसरी लेयर को सेट के बैकग्राउंड में रखा जाता है। फिल्मों में इसका इस्तेमाल 1930 से होता आ रहा है। हालांकि सही मायनों में बैकग्राउंड को एकदम असली जैसा दिखाने वाली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की टेक्निक कुछ ही सालों पहले इजाद हुई है। इसे डिजिटल बैकलोड कहते हैं और यही वजह है कि एवेंजर्स जैसी फिल्में हमें बिल्कुल असली दिखाई देती हैं। नंबर 6, वाटर सिमुलेशन। दोस्तों, पानी का VFX बनाना हमेशा से किसी भी VFX आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल काम था। आप आर्टिकल्स की शेप में इसकी बूंदे तो बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है समंदर जितने बड़े पैमाने पर पानी के बहाव को दिखाना और इसमें उठती लहरें बनाना और इसमें गोता खाती हुई नाव को दिखाना तो बड़े बड़े VFX आर्टिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। साल 2000 में बनी इस फिल्म में भी कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना किया गया। ये पर्दे पर एक बहुत बड़ी समंदर की लहर दिखाना चाहते थे और फिर उन्होंने समंदर का एक सिमुलेशन तैयार किया
जिसमें पानी की 100 फीट ऊंची लहरें तक बन सकें। उन्होंने इसे बॉटम वाटर नाम दिया और इसके बाद मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम से टॉप वाटर बनाया गया, जिससे धुंध जैसी पानी की बूंदें उड़ती दिखाई देती हैं। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल आजकल की फिल्मों में किया जा रहा है। नंबर 7, वर्चुअल सेट्स। डिज्नी फिल्म द मैंडलोरियन की शूटिंग के वक्त एक्टर अपने आसपास के पहाड़ और माहौल को देख रहे थे, जबकि वो वहां था ही नहीं। आपको बता दें कि इनके पीछे एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर एक वीडियो गेम की तरह बनाए गए बैकग्राउंड दिखाए जा रहे थे। इस फिल्म से पहले तमाम फिल्मों में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक्टर को अपने आसपास के माहौल को इमेजिन करना होता है, क्योंकि इनके पीछे तो सिर्फ हरा पर्दा होता है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि इनके एक्टर इस फिल्म में अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर महसूस कर सकें, और ऐसे में इन्होंने अपनी पूरी फिल्म में ग्रीन स्क्रीन की बजाय 360 डिग्री एलईडी स्क्रीन से बने वर्चुअल सेट्स का इस्तेमाल किया। यहाँ अनरियल इंजन की मदद से आर्टिस्ट ने 3D बैकग्राउंड्स बनाए, जो कि कैमरा की फील्ड ऑफ व्यू के साथ मूव होते हैं। नंबर 8, फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर। साल 2009 की फिल्म अवतार को VFX आर्टिस्ट ने हमारी इस वीडियो में बताई गई तकरीबन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है। इन सब टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके ये फिल्म तो उस वक्त की एक सुपर डुपर फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की हिट होने की वजह ये भी थी कि इसमें आप 3D कैरेक्टर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोल को किस एक्टर ने किया है, क्योंकि इनके 3D कैरेक्टर्स में फेशियल एक्सप्रेशन एक खास तरीके से उतारे गए थे। यहाँ एक्टर को मोशन कैप्चर सूट के साथ एक ऐसे हेलमेट भी पहनाए गए थे जिनके सामने कैमरा और LED लाइट्स लगी हुई होती थी, ताकि इनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ इनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड किए जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।